एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया, तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है, और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी, और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी, और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।